Hello guys my name is Rachna Navani welcome to BiCamp tutorial. आज के लेक्चर में हम एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन टॉपिक को कवर किया था फर्टिलाइजेशन मींस क्या होता है जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट में फ्यूजन होता है और फ्यूज़न हो करके जैगॉट की फॉर्मेशन होती है उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं फर्टिलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जैगॉट जैगॉट की फॉर्मेशन कब होगी जब मेल सेक्स सेल मीन्स मेल गैमिट फ्यूज विद फीमेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज़ होगा और जयगॉड की फॉर्मेशन करेगा उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस हुए अब हम ये पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स का होता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन अब देखिएगा मीनिंग पहले समझेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के या जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होता है उस फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड होता है उस फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल सेक्स गैमीट्स और फीमेल सेक्स कैमिट में फ्यूज़न होगा फ्यूज़न कहाँ पर होगा फीमेल के अंदर होगा फ़ीमेल बॉडी के अंदर जब फ्यूज़न होगा तो उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं अब अब आप डिटेल से समझेंगे अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अब देखिएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम ये कह रहे हैं कि मेल सेक्स सेल्स ठीक है मेल एंड अगर बात करते हैं फीमेल की मेल सेक्स सेल्स देखो मेल सेक्स सेल्स ऑब्लिक गैमिट्स मेल गैमेट्स क्या होते हैं मेल गैमेट्स होता है हमारे पास स्पर्म और फीमेल गैमेट्स हमारे पास क्या होता है एग या ओवा आप कह सकते हो ठीक है तो इन दोनों में फ्यूज़न कैसे होगा फ्यूज़न कब होगा जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में क्या होंगे इन दोनों में आपस में क्या होगा फ्यूज़न के प्रोसेस होगी और फ्यूज़न की प्रोसेस होगी तो जैगॉट की फॉर्मेशन होगी और जैगाट्स की फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो इस प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कब होती है जब मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास इस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से ये हमारे पास क्या है इस स्पर्म है मेल सेक्स सेल्स या मेल गैमेट्स क्या होता है हमारे पास स्पर्म होता है फीमेल क्या होता है ये हमारे पास क्या है ओवा इन दोनों में आपस में फ्यूज़न होगा फ्यूज़न कब होगा जब आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा या मैटिंग की प्रोसेस होगी या कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी तो इसमें मेल क्या रिलीज़ करेगा इस्पम को रिलीज़ करेगा एक मेल मिलियंस ऑफ स्पर्म को रिलीज़ करेगा इनमें से केवल ओनली वन स्पर्म ठीक है मिलियंस ऑफ स्पर्म ओनली वन स्पर्म फ्यूज विथ ओवा इस ओवा को क्या करेगा यहाँ पर फ्यूज करेगा ठीक है यहाँ पर ओवा के साथ फ्यूज होगा फ्यूज होने के बाद ये इसको फ्यूज होने के बाद ये एग क्या होगा एग फर्टिलाइज होगा एग क्या होगा एग फर्टिलाइज होगा तो एग फर्टिलाइज होगा तो जब एग फर्टिलाइज होगा तो इसमें क्या होगा जायगाट की फॉर्मेशन होगी और इसी जायगाट में फर्दर क्या होगा डिवीजन होगा इस जाइॉट में ही फर्दर डिविजन्स होते हैं और डिवीजन होने के बाद यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मीन्स एक ह्यूमन की या एक फीमेल की बात करें कि आफ्टर टू हंड्रेड डेज ऑफ गेस्टेशन पीरियड तो ये फीमेल क्या करती न्यू बेबी को डिलीवर करती है न्यू बॉर्न बेबी को डिलीवर करती है after 260 days, baby को deliver करती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पे ये फर्टिलाइजेशन की process हम पढ़ रहे internal fertilization. एक बार दोबारा से सुनिएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बॉडी के इन होती है उस प्रोसेस को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसमें मेल सेक्स सेल्स मीन मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होता है फ्यूजन कब होगा जब आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स मैटिंग या कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी तो मेल अपने सेक्स सेल्स से क्या करेगा मेल स्पम को रिलीज करता है और फीमेल कि ओवरी से क्या रिलीज़ होगा एग रिलीज़ होगा लेकिन ये स्पम क्या होंगे फीमेल की ओवरी में जाकर के फ्यूज़ करते हैं एग के साथ और बाकी जब इसमें फ्यूज़न की प्रोसेस होगी तो टेल क्या हो जाएगा डिसपेयर हो जाता है और ये पेनिट्रेट इसमें ये टेल क्या करती है लोकोमोशन में हेल्प करती है तो यहाँ पर माइटोकॉन्डिया होता है यहाँ पर इसका हेड पार्ट होता है तो ये इस एग को पेनिट्रेट करती है और तभी इसमें फ्यूज़न हो जाता है एग फर्टिलाइज हो जाएगा अगर एक फर्टिलाइज हो गया तो जैगॉर्ड की फॉर्मेशन हुई जैगॉट में फर्दर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ़ एम्ब्रियो न्यू बॉर्न बेबी या 260 डेज गैसटेशन पीरियड के बाद क्या होती है न्यू बॉर्न बेबी डिलीवर होती है फीमेल बॉडी के अंदर अब हम बात करते हैं आपको कॉमन पता है अगर आपकी मदर एंड फादर हैं तो मदर एंड मदर इज़ अ फीमेल एंड फादर इज़ अ मेल ठीक है अब आप खुद से सोचिए क्या कि आपका जो जन्म हुआ या कैट जो होते हैं डॉग होते हैं मैमल्स जितने भी होते हैं उन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन कि किस में होता है ह्यूमन में होता है सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है साथ साथ डॉग कैट इन सब में क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है अब हम प्रोसेस तो सेम है लेकिन इनका गैस्ट्रेशन पीरियड अलग अलग होता है अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो फीमेल क्या मोस्टली एक ही बेबी को डिलीवर करती है लेकिन इन दोनों की कंडीशन में अलग अलग कंडीशन है ठीक है ये प्रोसेस थी हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कौन सी प्रोसेस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अब देखिएगा एक्सटर्नल नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जो बॉडी के आउटसाइड होती है ठीक है तो बॉडी के आउटसाइड बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं एग्जांपल पहले लिख लेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है फिश में होता है फ्रॉग में होता है टोर्स में होता है इन सब में मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो वाटर इसमें एक मीडियम का काम करता है अब ध्यान से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या कहा मैंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होता है Egg कैसे फर्टिलाइज होता है इसमें सपोज हमने फिश का एग्जांपल भी ले रहे हैं या हम फ्रॉक का एग्जांपल लेते हैं सपोज हम एग्जांपल फ्रॉक का ले रहे हैं तो मेल एंड फीमेल फ्रॉक अलग अलग होते हैं मेल क्या करेगी मेल फ्रॉक क्या करेगी स्पम को रिलीज करेगी फीमेल फ्रॉक क्या करेगी एक को रिलीज़ करेगी कब करेगी जब उसमें कॉलिजन होता है मैटिंग होती है समझ में आ गया तो जब उनमें मैटिंग की प्रोसेस होती है तो वो क्या करेगी मेल क्या करेगा मेल फ्रॉग और फीमेल किसका एग्जाम्पल लिया हमने फ्रॉग का तो ये क्या करेगा ये अपने ये स्पम को रिलीज़ करती है ठीक है और ये क्या करती है एग को रिलीज़ करती है अब यहाँ पर ध्यान देना हमने ये पढ़ा था कि फ़ीमेल केवल एक ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ह्यूमन के एग्जाम्पल में केवल एक ही एग को रिलीज़ करती है यहाँ पर फ्रॉग वन टू हंड्रेड एग को रिलीज़ कर सकती है फीमेल यहाँ पर मिलियंस ठीक है तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्या होते हैं रिलीज़ होते हैं और ये स्पर्म इन इस तरीके से जब इनमें आफ्टर सेक्सुअल uh, इंटरकोर्स होता है तो यहाँ पर ये क्या करते हैं वाटर में यहाँ से ये सपोज़ एग रिलीज़ कर दिए ठीक है और यहाँ स्पम भी बहुत सारे रिलीज़ हो गए तो इस तरीके से इनके चारों तरफ एक स्टिकी सब्सटेंस बन जाता है और इनमें ये आप ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे फ्यूज़ हो जाते हैं वाटर में रिलीज़ हुए ठीक है इस तरीके से अब क्या करेंगे बहुत सारे स्पम भी है एग भी है तो क्या होंगे इतने सारे ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं फ्यूज़ होने के बाद कई नए फ्रॉग या टैटपोल या नई फिश आपके पास बन करके तैयार हो जाएगी इस प्रोसेस को ही हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहते हैं लेकिन एक टाइम में इतने सारे ये इसके चारों तरफ क्या बनाती है एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है नहीं तो इनको कोई भी एनिमल्स खा सकता है या पानी के जो बहुत तेजी से जो थपेड़े आते हैं उनसे ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं एक दूसरे के दूर दूर चले जाएंगे तो क्या एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा ठीक है तो एक्ट तभी फर, जब ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं क्योंकि ये स्टिकी सब्सटेंस छोड़ते हैं तो यही इनको न्यूट्रिशन इस एग को इस पम्प को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होगा तो एक समय में वन टू हंड्रेड नए फ्रॉग हमारे पास बन करके तैयार हो सकते हैं या कई फिश आपके पास आपने देखी कि फिश भी कई हो जाती हैं आपके पास एक टाइम में तो इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं जो प्रोसेस बॉडी के आउटसाइड हो रही है आपको मैंने एग्जांपल दे दिया किस तरीके से ये पानी में अपने एग और स्पम्प को रिलीज करते हैं और दोनों के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस बना देते हैं यही इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है तब दोनों में आ, तब इस्पम एग को फर्टिलाइज करता है और एक टाइम में कई नए इंडिविजुअल uh, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाते हैं तो इस तरीके से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन टॉपिक को हमने कवर किया इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम प्यूबर्टी uh, को कवर करेंगे प्यूबर्टी क्या होती है और या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या ए रिप्रोडक्शन में क्या होता है एडवांटेज ए सेक्सुअल रिपोडक्शन में क्या होता है आइडेंटिकल्स बनते हैं ठीक है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूटेशन भी हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन आता है अब वेरिएशन तो मदर एंड फादर कोई भी मदर फादर है उनके अगर सपोज चार बच्चे हैं तो सभी एक दूसरे के समान नहीं है सिमिलर नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी आता है चेंज होता है जेनेटिक कैरेक्टर्स चेंज होते हैं म्यूटेशन आता है इवोल्यूशन होता है लेकिन ए रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एडवांस मानते नेक्स्ट लेक्चर में हम प्यूबर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे उसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पढ़ेंगे आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कुछ न्यू कमेंट्स या आप कुछ सजेशन दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू